कोविड आ गया था, क्लासेस लगी नहीं थी, तो तमाम 3 साल के अंदर मिलाकर के लगभग 1 लाख बच्चों को इस बार भी टैबलेट देने की योजना बना रहे हैं। इस प्रकार की घोषणा हम लोग करना चाहते हैं। राजस्थान के 93,000 टैलेंटेड स्टूडेंट्स को गहलोत सरकार 3 साल फ्री इंटरनेट के साथ स्मार्ट टैबलेट बांटेगी। ये टैबलेट 8वीं, 10वीं और 12वीं में नंबरों के आधार पर स्टूडेंट्स को बांटे जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा ग्रामीण ओलंपिक खेलों के स्टेट लेवल मुकाबलों के दौरान एसएमएस स्टेडियम में की। कोविड आ गया था, क्लासेस लगी नहीं थी, तो तमाम 3 साल के अंदर मिलाकर के लगभग 1 लाख बच्चों को इस बार भी टैबलेट देने की योजना बना रहे हैं। इस प्रकार की घोषणा हम लोग करना चाहते हैं। इधर गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि पिछले कार्यकाल में हमारी सरकार ने होनहार स्टूडेंट्स को लैपटॉप वितरित किए थे, जिससे स्टूडेंट्स को आईटी की शिक्षा मिल सकी। पिछली सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया था। युवाओं के हित में हम फिर से इस योजना को शुरू कर रहे हैं। अभी तक मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की वो आपने सुना होगा, लेकिन जो 8वीं 10वीं 12वीं में 2022 में पास कर चुके हैं विद्यार्थी, उन्हें 75% से अधिक या कितने नंबर चाहिए इसकी अपडेट अभी तक कुछ नहीं दी है। फॉर्म भरना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा, ये भी अगली अपडेट आती आपको तुरंत जानकारी दी जाएगी। इसलिए आप चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, ताकि जो भी अगला वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। अभी तक कोई कुछ अपडेट नहीं आई, अभी तक ये घोषणा हुई है।